Okay, students, so we are going to start with the new chapter, that is Principles of Inheritance and Variation. This is our new topic, that is of genetics. Genetics ke andar hamara jo first chapter hai, that is the Principle of Inheritance and Variation. Hum sabko pata hai, apne 10th class mein bhi ye read kiya hoga, ki jo Mendel hai, Mendel ne laws of inheritance diye the, koi bhi organism, either that is a male or a female, जो भी अपने characteristics है वो अपने mother या father से inherit करता है. तो basically यही चीजें हैं जो क्या बताती हैं, principle of inheritance and variation के बारे में बताती हैं. So let us start with the first topic, that is Mendel's law of inheritance. That is the part one of our this chapter. That is the inheritance and law of variation. Mendel ki photo yahan pe di hui hai. Aap dekh sakte ho ki this is the Gregor Jonas Mendel, jisne basically factors naam se padhai karni shuru ki thi genes ki. Aur usne ye kya diye the? Laws of inheritance diye the. So we have some important terms. The first term is genetics. Genetics is study of inheritance, heredity and variation of characteristics or study of genes and chromosomes. Genes ya chromosomes ke bare mein study karna, usko kya bolte hain? Genetics bolte hain. Genetics ke andar inheritance, heredity and variation ye sab kuch aata hai. कि कौन से कि एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है या फिर उनसे डिफरेंट है. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर टोल्ड बाय द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट इज नोन एज जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. बेसिकली हेरिडिटी क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, एंड इनहेरिटेंस से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, पास करते हैं. हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस आर बेसिकली सेम थिंग. वेरिएशन, डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज द वेरिएशन. इनहेरिटेंस या हेरिडिटी क्या हो गई? कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसमिशन करना हेरिडिटी हो गई. ठीक है, आई हैव इनहेरिटेड दीज थिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स, दिस इज इन माई हेरिडिटी. तो ये चीजें क्या है, ये रिलेटेड है. वेरिएशन क्या होता है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग. सपोज दोनों पेरेंट्स के जो बाल हैं ब्लैक कलर के हैं, ऑफस्प्रिंग के क्या हो गए, ब्राउन कलर के. सो दिस इज अ वेरिएशन. कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है? एक हेरिटेबल फीचर है. द कैरेक्टर कैन बी एवरीथिंग दैट इज हेरिटेबल. अब जैसे कि मैथ्स, अगर एक जो पेरेंट है मैथ्स में तेज है तो बच्चा मैथ्स में तेज नहीं होगा. ठीक है, बच्चा इनहेरिटेंस इंटेलिजेंस को इनहेरिट कर सकता है. इंटेलिजेंस कैन बी अ कैरेक्टरिस्टिक, बट मैथ्स की जो सॉल्व करने की कैपेसिटी है दैट कैन नॉट बी द हेरिडिटी. सो अ कैरेक्टर इज द हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग. एग्जाम्पल द आई कलर. देन ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब है वेरियंस ऑफ अ कैरेक्टर. सपोज करो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट्स हैं, मीडियम हाइट, टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट. तो ये क्या हो गए, ये सारे ट्रेड्स हो गए कैरेक्टर के. मतलब एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स, जैसे कि ये यहाँ पे आईज कलर दिखाए हुए हैं, दीज आर द ट्रेड्स ऑफ द डिफरेंट कलर, ट्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर ऑफ आई कलर. सो दीज आर द टर्म्स दैट यू नीड टू नो बिफोर लर्निंग अबाउट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए. आई होप आपको क्लियर हो चुकी हैं इन जो डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत बार कंफ्यूज करके डेफिनेशंस पूछी जाती हैं. ओके, सो नाउ इम्पोर्टेंट टर्म्स. एलील्स, एलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. कि एक जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक कलर के लिए, एक जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लू कलर के लिए. तो दीज आर द एलील्स, वो जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है. मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि टॉल एंड ड्वार्फ आर टू एलील्स ऑफ अ जीन फॉर द कैरेक्टर हाइट.
जीन है जो हमें कैरेक्टर देता है, जीन क्या है, टॉल हाइट का भी हो सकता है, शॉर्ट हाइट का भी हो सकता है. तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, अलील्स. अलील्स को अलीलोमॉर्फ भी बोला जाता है. ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं, होमो का मतलब सेम जीन्स, सेम अलील्स हो, जैसे कि दोनों ही कैपिटल बी है, दे आर द होमोजाइगस, दोनों ही कैपिटल टी है तो दे आर होमोजाइगस, एक स्मॉल टी है एक शॉर्ट टी है तो दैट इज अ हेटरोजाइगस कंडीशन. ठीक है, होमोजाइगस और हेटरोजाइगस का वर्ड का यूज बहुत बार आएगा आपके इस चैप्टर में, तो इसको ध्यान से सुनना है आपने. द कंडीशन इन विच क्रोमोजोम पेयर कैरीज सिमिलर अलील्स ऑफ अ जीन ऑल्सो नोन एज प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग. ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जिनमें होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या तो वो होमोजाइगस टॉल हो, या होमोजाइगस शॉर्ट हो, या होमोजाइगस राउंड हो, या होमोजाइगस टर्मिनल उनका जीन हो. तो ये सब चीजें क्या है, होमोजाइगस है. इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, इन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है. हेटरोजाइगस, द कंडीशन इन विच क्रोमोजोम पेयर कैरीज अ डिससिमिलर अलील ऑफ अ जीन. हेटरोजाइगस का क्या मतलब है कि दोनों जो अलील्स हैं दे आर डिफरेंट, मतलब एक शॉर्ट है और दूसरा लॉन्ग है, थस इट टेल्स द हेटरोजाइगस कंडीशन. हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर हमें पता चलता है कि जो डोमिनेंट अलील है वही एक्सप्रेस होता है. सो लेट अस रीड अबाउट द हेटरोजाइगस कंडीशन इन डिटेल. The condition in which chromosome pair carries dissimilar alleles of a gene. For example, जो T capital और small T and Y capital और small Y के genes हैं, alleles हैं, ये वाला organism क्या है, heterozygous organism for the characteristic. The next thing that we have to talk about is dominant character. Dominant character क्या है? Heterozygous condition में हमारे पास दो alleles होते हैं, दोनों alleles क्या होते हैं, different होते हैं. तो dominant character वो वाला character है जो heterozygous condition में खुद को express करता है. The character which is expressed in heterozygous condition, it is indicated with the capital letter. जैसे टॉल हाइट के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल टी, और स्मॉल हाइट के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल टी. ऐसे नहीं लिखते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं ताकि ये शो हो जाए कि सेम जीन का कॉन्ट्रास्टिंग अलील है, एंड जो टॉल हाइट है दैट इज डोमिनेंट एंड स्मॉल हाइट इज रिसेसिव. अब यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं विद इट्स डोमिनेंट कैरेक्टर एंड विद इट्स रिसेसिव कैरेक्टर. ये ह्यूमन बींग्स के अंदर है सारे. So, इन जीन्स को, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लो, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं. सी फर्स्ट थिंग इज दैट इज डोमिनेंट इज क्लेफ्ट चिन. चिन के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये जो क्लेफ्ट चिन वाले लोग होते हैं दे आर डोमिनेंट. नेक्स्ट इज द विडोज पीक. विडोज पीक क्या है, यहाँ पे मुझे कोई भी डिफरेंस, आई थिंक सो देयर इज एन एरर इन द प्रेजेंटेशन, वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग लेटर. नेक्स्ट थिंग इज डिम्पल. डिम्पल वाले जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज डोमिनेंट, एंड विदाउट डिम्पल वाले कैरेक्टरिस्टिक इज रिसेसिव. देन द ब्राउन और ब्लैक हेयर आर डोमिनेंट ओवर द गोल्डन और ब्लॉन्ड हेयर. ठीक है, फ्रेकल्स आर डोमिनेंट ओवर नो फ्रेकल ऑफ द स्किन. फ्रेकल्स क्या होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, उसको फ्रेकल्स बोलते हैं. ब्राउन आईज आर डोमिनेंट ओवर ग्रे, ब्लू, ग्रीन आईज. ठीक है, फ्री ईयर लोब इज डोमिनेंट ओवर द फ्यूज्ड या अटैच्ड ईयर लोब. कई लोगों के कान अटैच्ड होते हैं, कई लोगों के कान फ्री होते हैं. फ्री वाले जो ईयर लोब है दे आर डोमिनेंट. ओके,
सो दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरी साइड पे क्या है रिसेसिव कैरेक्टर है. द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड इन द हेटरोजाइगस कंडीशन इट इज इंडिकेटेड विद द स्मॉल लेटर. स्टूडेंट्स आपको ये डेफिनेशन याद करनी है एज इट इज ही याद करनी है, आपको समझनी भी है याद करने के साथ साथ ये डेफिनेशन, इसलिए इसको पढ़ लो ध्यान से सुन लो सो दैट आपको समझ आ जाए आपके दिमाग में चली जाए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स सो दैट कल को आप कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेके. फीनोटाइप. फीनोटाइप इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर एंड जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर. फीनोटाइप का क्या मतलब होता है, जैसे ग्रीन ब्लू ब्राउन ये आइस का कलर है, ये हमें बाहर से दिख रहा है. दिस इज द फीनोटाइप फिजिकली जो हमें बाहर से दिख रहा है. अब देखो सपोज करो दो इंसान है, उनकी आंखें क्या है ब्राउन है, बोथ आर हैविंग द ब्राउन आईज. तो एक में क्या है, एक में कैपिटल बी दोनों कैपिटल बी है. फर्स्ट वन इज द होमोजाइगस फॉर द ब्राउन कलर एंड सेकेंड वन इज द रिसेसिव फॉर द हेट्रोजाइगस फॉर द ब्राउन कलर, उसमें रिसेसिव वाला जीन भी प्रेजेंट है. तो जीनोटाइप क्या हो गया, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हम अलील्स की बात करते हैं दैट इज द जीनोटाइप. अगर हम फिजिकल कैरेक्टर की बात करें तो दैट इज द फीनोटाइप. पीएच फॉर फिजिकल, जीनोटाइप फॉर जीन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या अलील्स. स्टूडेंट्स अब हाइब्रिड इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड वो क्या है, एन इंडिविजुअल produced by mating of genetically unlike parents. अगर दो parents हैं, they are genetically different from each other, dissimilar in the characters, उन parents को हम crossover करवा रहे हैं plants के case में basically, तो वो क्या हो गया, hybrid हो गया. इस चीज को agriculture में बहुत ज्यादा use किया जाता है. Suppose करो हमारे पास एक plant है जिसकी roots बहुत ज्यादा strong है लेकिन वो plant फ्रूट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं देता. दूसरा प्लांट है हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स देता है बट वो उड़ जाता है जल्दी हवा से क्योंकि उसकी रूट्स स्ट्रांग नहीं है. हमें ऐसा प्लांट चाहिए जिसकी रूट्स भी स्ट्रांग हो और जिसके फ्रूट्स भी अच्छे हों. तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों प्लांट्स को, फर्स्ट इज द रूट पार्ट एंड सेकेंड इज द फ्रूट पार्ट, ये दोनों प्लांट्स को हम क्या करवा देंगे, हाइब्रिडाइज करवा देंगे. हाइब्रिडाइज करने के बाद जो बेबी प्लांट होगा, फ्रूट्स में से सीड्स निकलेंगी, सीड्स से जो बेबी प्लांट निकलेगा वो हाइब्रिड होगा, उसकी रूट्स भी स्ट्रांग होंगी एंड उसकी फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी होगी. इनमें से जो जो इनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे, बहुत सारे सीड्स फॉर्मेशन होंगे, बहुत सारे बेबी प्लांट्स होंगे, बेबी प्लांट्स में सभी में कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मर्ज्ड होंगे, ठीक है, पेरेंट्स के. तो जो हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला ऑर्गेनिज्म होगा वो हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, Gregor Mendel is known as the father of genetics. Gregor Jonan Mendel basically. Mendel ne kya kiya tha? Mendel conducted some hybridization experiments on the garden peas plant. Garden peas ka naam kya hota hai? Spizum sativum hota hai uska naam. For 7 years, that is 1856 to 1863. Usne 7 saal tak experiment kiya. 1856 से लेके 1863 तक गार्डन पी वाले प्लांट के सिर्फ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिए थे, ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है, गार्डन पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको हमेशा क्वेश्चन आता होता है कि मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो बहुत सारे आंसर ऑप्शन दिए होते हैं, स्वीट पी, वाइट पी, ग्रे पी, ब्लू पी, तो उसमें से आंसर कौन सा होता है हमारा, गार्डन पीस. गार्डन पीस का क्या नाम है, पाइजम सैटिवम. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने क्या किया था, स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी. उसने क्या किया था, दो पी प्लांट्स लिए थे विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. फर्स्ट वाला जो था दैट वॉज टॉल एंड सेकेंड वाला था दैट वॉज स्मॉल. हमेशा कैरेक्टर्स जो थे वो कॉन्ट्रास्टिंग ही लिए थे.
उसने क्या कर दी थी, ई मैस्कुलेशन कर दी थी. ई मैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द एंथर्स ऑफ द वन प्लांट एंड अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन. अगर एंथर्स ही नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगी, तो फ्रूट्स के अंदर सीड्स के अंदर गड़बड़ नहीं होगी. ठीक है, उसने पहले ही इमैस्कुलेशन का प्रोसेस कर दिया था, जिसके थ्रू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को उसने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, ताकि उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट आए. फीमेल पेरेंट के अंदर उसने क्या किया था, इमैस्कुलेशन कर दी. मेल पेरेंट के अंदर क्या किया था, कलेक्शन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्रांसफरिंग टू द फीमेल पेरेंट. उसके बाद कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स. ये स्टेप्स हैं, ये फोर स्टेप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेंडल ने किए थे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड्स ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेंडल्स ने ये जो स्टेप्स किए थे, दीज स्टेप्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसका हर पार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा. पहले तो उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ही सिलेक्टेड टू पी प्लांट्स विद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. जो सभी कैरेक्टर, सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे कॉन्ट्रास्टिंग होने चाहिए. जैसे एक की येलो सीड है, दूसरे की क्या होगी, ग्रीन सीड होगी. एक राउंड शेप का है, दूसरा क्या होगा, रिंकल्ड शेप का होगा. ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या किया था, इमैस्कुलेशन कर दिया फीमेल पेरेंट का. इमैस्कुलेशन मतलब एंथर्स की रिमूवल कर दी, क्योंकि पाइजम सैटिवम का जो प्लांट होता है उसमें जो फ्लावर प्रेजेंट होता है दैट इज द बायसेक्सुअल फ्लावर. उसमें मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसने मेल पार्ट को क्या किया था, इमैस्कुलेट कर दिया था पहले ही. इमैस्कुलेशन करने के बाद उसने क्या कर दिया था, उसको कवर भी कर दिया था, ताकि खुद का जो है वो तो सेल्फ पॉलिनेशन से रुक ही जाए. बैगिंग कर दी थी उसके ऊपर से, कवर कर दिया था एंथर्स को रिमूव करने से, ताकि कोई बाहर से फॉरेन पोलन ना आ सके और बाहर से कोई फॉरेन पोलन आके उसको फर्टिलाइज ना कर सके. ठीक है, देन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. उसने क्या किया था, अपने जो डिजायर्ड मेल पेरेंट से पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करके उस पर ट्रांसफर कर दिया था फीमेल पेरेंट के ऊपर से, एंड इस तरीके से उसने पॉलिनेशन करवा दी थी. उसके बाद कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. फिर उसके बाद जो सीड्स फ्रूट्स के अंदर बने थे उनको, उनकी कलेक्शन करके उनको जर्मिनेट करवा दिया, ताकि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पैदा हो जाए. तो बेसिकली मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वर डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव. ठीक है, उसने क्या किया था, स्टेम हाइट, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सारी चीजें ली थी. इसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद करने के लिए. उसने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे किया था, एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड ऑन पाइजम सैटिवम, और उनके उनपे 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था. उसके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे. इसको आप याद कर सकते हो ग्रेविटी से. ग्रेविटी जो है बेसिकली दैट इज द, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट हैं. ग्रीन पॉड, राउंड सीड, एक्सियल पोजिशन, वायलेट फ्लावर्स, इन्फ्लेटेड पॉड, टर्मिनल एंड येलो सीड. जस्ट वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स.
यहाँ पे टर्मिनल नहीं है, यहाँ पे टॉल है. हाँ, टॉल प्लांट हाइट. ये जो सातों के सातों कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डोमिनेंट है. इनके रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइड में. ग्रीन पॉड का, ग्रीन पॉड इज द डोमिनेंट वन, तो येलो पॉड क्या हो गया, रिसेसिव वन. राउंड सीड इज द डोमिनेंट वन, तो रिंकल सीड क्या हो गई, रिसेसिव वन. एक्सियल पोजीशन इज द डोमिनेंट वन, तो टर्मिनल पोजीशन क्या हो गई, रिसेसिव वन. देखो एक्सियल पोजीशन ऑफ द फ्लावर है, ये याद रखना है. वायलेट फ्लावर्स आर द डोमिनेंट वन, तो व्हाइट फ्लावर्स क्या हो गए, दीज आर द रिसेसिव वन. वायलेट का ऑपोजिट क्या हो गया, व्हाइट. ठीक है, इन्फ्लेटेड पॉड का क्या हो गया, कंस्ट्रिक्टेड पॉड. टॉल प्लांट हाइट का ऑपोजिट क्या हो गया, स्मॉल प्लांट हाइट. एंड येलो का क्या हो गया हमारा आंसर, ग्रीन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे साइड पे बनाए भी हुए हैं. लेट मी टेल यू, दीज आर द टॉल, दीज आर द ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स. ये एक्सियल फ्लावर है और ये टर्मिनल फ्लावर है. ये वायलेट कलर है और ये व्हाइट कलर है. दिस इज द फुल कंस्ट्रक्टेड, फुल एंड कंस्ट्रक्टेड पॉड. मुझे पता था जब मैंने इसको चेंज कर लेना तो आपको विजिबल नहीं होगा. अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं तो प्लीज बैक करके आप लिख सकते हो दोबारा से. मैं आपको ये बता दूं, दिस इज द टॉल, दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, दिस इज द ड्वार्फ, दिस इज द रिसेसिव कैरेक्टर. एक्सियल फ्लावर वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डोमिनेंट है. टर्मिनल वाला क्या है, रिसेसिव है. वायलेट वाला क्या है, डोमिनेंट है. व्हाइट वाला क्या है, रिसेसिव है. फुल वाला क्या है, डोमिनेंट है. फुल इन्फ्लेटेड शेप ऑफ पॉड, इन्फ्लेटेड का मतलब पॉड है जो बेसिकली वो फूला फूला है. हमें पता है कि मटर के दानों का जो भी पॉड होता है अगर वो फूला फूला हो तो जो प्लांट है वो अच्छी क्वालिटी का माना जाता है. हालांकि ऑन द अदर हैंड रिंकल्ड, अगर रिंकल्ड या कंस्ट्रिक्टेड पॉड हो हमारे पास उसको हम अच्छी क्वालिटी का नहीं मानते हैं. एंड कंस्ट्रिक्टेड जो है क्वालिटी, दैट इज रिसेसिव. ग्रीन कलर ऑफ द पॉड इज डोमिनेंट, येलो कलर ऑफ द पॉड इज रिसेसिव. ठीक है, राउंड सीड है दैट इज डोमिनेंट, रिंकल्ड सीड है दैट इज रिसेसिव, येलो सीड है दैट इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रिसेसिव. तो ये हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मेंडल ने लिए थे. एंड मेंडल ने इनपे 7 साल तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. 7 साल तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को निकाला था. तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक है. इसके बेस पे आप थोड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन से क्वेश्चंस. व्हाट इज जेनेटिक्स, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, Why is he known as father of genetics? On which organism did Mendel perform experiments? Experiments The next thing is, what are dominant and recessive characters? Which characteristics did Mendel followed what were the precautions that Mendel
had in order to perform his experiments. I hope students आपको ये questions सारे समझ आ गए. Please जिसको भी नहीं समझ आया you can ask these from me in the comment section. Please comment section में जरूर पूछिए. And okay, that was all for today. Thank you students and have a nice day.